ही व्हाट्स अप गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे आपको पता है नथिंग फोन 1 लॉन्च होने में बचे हैं सिर्फ 3 दिन। इससे पहले नथिंग फोन 1 के कैमरा सैंपल्स यहाँ पर रिलीज हो गए हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड ट्विटर हैंडल पर। और मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियली बताऊंगा कैमरा स्पेसिफिकेशन ऑफ नथिंग फोन 1। तो पहले चलते हैं हम ट्विटर अकाउंट पे और वो इमेजेस देखते हैं कौन सी इमेजेस यहाँ पर रिलीज किए हैं। तो ये रहा उनका नथिंग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोन 1 हैज़ 2 एक्सेप्शनल कैमरा। जैसे डुअल कैमरा सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो रहेगा पहला 50 MP प्राइमरी सेंसर, सेकंड रहेगा 16 MP आई थिंक सो। यहाँ पे पहले कोई कैट का फोटो है, काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है प्रीमियम सेगमेंट में जो पिक्स होती हैं वो क्लिक हो रही हैं। डायनेमिक रेंज बढ़िया है, ब्लू स्काई देखो, स्काई कितना क्लियर दिख रहा है। थर्ड यहाँ पे 4 इमेजेस है और यहाँ पे टेक ब्लॉक पे इनके ब्लॉग पोस्ट पे फुल इमेजेस अवेलेबल है। तो क्या करते हैं हम, मैंने इन इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है इनके वेबसाइट से जो ओरिजिनल क्वालिटी में है। तो फर्स्ट इमेज पे चलते हैं जो है डॉगी का, जिसमें वो पिंक कलर एंड रेड कलर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब मोस्टली पिंक एंड वाइट है। काफ़ी अच्छा बेटर नज़र आ रहा है। मैं इसके डिटेल्स अगर शो करूँ आप लोगों को तो यहाँ पे 1.5 MB का है और 6.6 MP से शूट हुआ है, उसका रेजोल्यूशन ये रहा, ठीक है। माइंड द गैप सेम इसका भी वही रहेगा 1.8 MB। बेकर शेड ये शायद मुझे नाइटस्केप पिक लग रही है या नाइट मोड बोल सकते हो इसे। ये भी काफ़ी बढ़िया पिक निकल के आ रही है यार। नथिंग फोन 1 अगर ऐसे पिक्स पे सच में अगर ऐसे पिक्स निकाल रहा है तो भाई थम्स अप फॉर द नथिंग फोन 1। एंड ये भी, अरे भाई साहब स्काई देखो यार क्या दिख रहा है। इस इमेज की साइज़ भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये काफ़ी डायनेमिक है। हर चीज़ उसने कलर एक्यूरेसी वगैरह सब पकड़ लिया है अच्छे से। 1.2 MB, 12.6 MP और इसका रेजोल्यूशन ये रहा। ये तो नॉर्मली डे लाइट पिक्चर है, अच्छा दिख रहा है काफ़ी। ओके ठीक है, बैक करते हैं। और ये कुछ पिक्स हैं, ये तो टुडे में आ गया, पता नहीं गूगल फोटोज़ में यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये टुडे सेक्शन में आ गया, और ये बाकी वेनेसडे ट्यूजडे में चले गए। ये दो पिक्स इनके डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनके अगर मैं इनको खोलूँ काफ़ी बेटर पिक देखने को मिल रहा है गाइस, काफ़ी बेटर। इसके अगर आप इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोकेशन भी दिख रहा है कहाँ पे क्लिक किया गया था। ये म्यूजियम के आसपास क्लिक किया गया था, लंदन पे, जैसे लंदन में लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन वैसे तो। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो नथिंग को आपको नाम देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर है नथिंग का A063 और F1.9 एपेचर है और 1/217 है और 5.5 mm एंड ISO सेट का 100। तो ये काफ़ी डिटेल्स नज़र आ रहा है, ये नथिंग फोन 1 के ही फोटोज़ हैं इतना तो कंफर्म हो रहा है, क्योंकि ये डिटेल्स ऐसे अवेलेबल नहीं होते। और ये पता चल अपने को कंफर्म हो ही जाएगा जब ये फ़ोन लॉन्च होगा। ये देखिए गाइस क्या ही फ़ोटो नज़र आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको चेक करना रहेगा तो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो वाला जो पेज था ऑफिशियल वाला उसे ओपन करते हैं। तो गाइस ये पेज ओपन होते ही आपको दिखेगा यहाँ पे सो व्हाट फोन 1 कैमरा कैन डू। तो मुझे ये जो मैंने इमेजेस अभी जो अपने जो देखी मैंने यहीं से डाउनलोड किए। तो यहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा ये डाउनलोड ऑल द इमेजेस फ्रॉम हियर, दे आर अनएडिटेड अनफिल्टर्ड जस्ट एज दे आर। तो गाइस यहाँ पे कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं की है, ये बोल रही नथिंग कंपनी। काफ़ी लोग बोल रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में कि भाई ये एडिटेड हो सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि सभी कंपनियाँ करती हैं इतना मैं तो सुना हुआ है। अब नथिंग ने किया या नहीं किया ये क्लियर हो जाएगा अपने को लॉन्च के बाद कि कैसी क्लैरिटी दिखेगी हमें। ये रहे वो फोटोज़, आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहीं से या यहाँ पे एक zip फाइल अवेलेबल है, मैं ये zip फाइल की डायरेक्ट लिंक दे दूंगा कि आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कैमरा के स्पेक्स मेंशन किए, जैसे मैंने बोला था पहले कि मैं कैमरा के स्पेक्स बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स विद द सेंसर एंड वी चूज द बेस्ट, आवर मेन कैमरा यूजेस द फ्लैगशिप 50 MP सोनी IMX766 टू गिव यू एक्सेप्शनल इमेजेस एवरी टाइम, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स इन लाइट विद F1.8 एपर्चर एंड 1.56 सेंसर साइज दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, 10 बुलेट कलर आपको देखने को मिलेगा फ्लैगशिप फोन से
एंड गिव इट टू आवर वीडियोस, मतलब ये फ्लैगशिप फ़ोन में जो 10 बिट कलर जो फीचर रहता है तो इस फ़ोन में भी देखने को मिलेगा और ये वीडियोस में भी देखने को मिलेगा। और ये मेंशन करते हैं कि एवरी वीडियो कैन कैप्चर 1 बिलियन कलर्स। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया है, ग्रेडियंट्स एंड पावरफुली ट्रू टू लाइफ रियलिज्म, मतलब रियलिस्टिक पे फोकस कर रही है नथिंग, कि भाई आपको बहुत बढ़िया कैमरा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप मुझे लग रहा है ये कैमरा फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ मेंशन करते हैं इसमें कि आपको ड्यूअल OIS एंड EIS स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे OIS का मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड EIS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो देखते हैं क्या होता है। और आपको 114 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू भी मिलेगा कैमरा में, मतलब जो वेंटेज पॉइंट होता है ना फ़ोन का, कैमरा कितना कैप्चर कर पाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पे और कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, वी मेड इट सिंपल, इंटेलिजेंट फीचर्स लाइक नाइट मोड भी दिया है, यहाँ पे सीन डिटेक्शन भी दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई व्हाट आर यू कैप्चरिंग, सजेस्ट द बेस्ट सेटिंग्स फॉर शॉट लाइक पेट्स, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, पैनोरोमा, ऑलवेज लुकिंग एट देयर बेस्ट। तो यहाँ पे पूरा उन्होंने बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सब फोटोज़ को वो एनालाइज कर लेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो फोटो को क्लिक करके इन्हांस कर देगा। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे बहुत काम किया है, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का ही वर्क है, सेंसर तो शायद से पुराना है ये, तब भी स्टिल काफ़ी बेटर पिक्स देखने को मिल रही हैं हमें। अभी तो इतनी पिक्स हैं तो अभी तो कुछ हम जस्टिस नहीं कर सकते कि भाई कितना मतलब बेटर हो सकता है, जब तक हमारे फ़ोन हाथ में नहीं आएगा तब तक तो समझेगा नहीं। तो हम तो गाइज फ़ोन परचेस करने वाले, तो गाइज बने रहे वो वीडियोज़ में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब कर लो गाइज, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आप बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 12 जुलाई को फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर कुछ आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट डाउन बिलो, एंड तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। This the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up, she wanna talk all day, but I'm not in the mood, I'm trying to dance all night, I got something to do, I make hits for the people at home.